पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कराची किंग्स के खिलाफ जीत के बाद पॉइंट्स टेबल भी अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी चार टीमें टॉप पर हैं। नंबर 6 क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सरफराज अहमद की टीम टेबल के आखिरी नंबर पर है, जिसने अपने पहले ही मुकाबले में हार का सामना किया है और अब तक कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सकी। नंबर 5 कराची किंग्स, अहमद वसीम की टीम टेबल के पांचवें नंबर पर है, जिसने अपने पहले दोनों मुकाबलों में सिर्फ हार का सामना किया है और अब तक कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सकी। नंबर 4 लाहौर कलंदर्स, शाहीन अफरीदी की टीम टेबल के चौथे नंबर पर है, जिसने एक मुकाबला खेला है और उसमें जीत के साथ दो पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 3 पिशावर जलमी, बाबर आजम की टीम टेबल के तीसरे नंबर पर है, इन्होंने भी अपने पहले मुकाबले में जीत के साथ दो पॉइंट हासिल कर रखे हैं। नंबर 2 इस्लामाबाद यूनाइटेड्स, शादाब खान की टीम टेबल के दूसरे नंबर पर है, जिसने अपने पहले ही मुकाबले में शानदार जीत के बाद दो पॉइंट हासिल कर लिए हैं। नंबर 1 मुल्तान सुल्तान्स, मोहम्मद रिजवान की टीम टेबल को लीड कर रही है, जिसने दो मुकाबले खेले हैं और एक में शानदार जीत के साथ दो पॉइंट हासिल कर रखे हैं।